मेड इन इंडिया ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स TWS ईयरफोन्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है बिकॉज जो 3.5 mm जैक है वो फ़ोन से धीरे धीरे करके खिसकता जा रहा है और 3.5 mm जैक हटने की वजह से जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी बीच मैंने परचेज कर लिया है मीवी डुओबड्स F40, ये भी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं और ये जो प्रोडक्ट है ये है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया और इसका जो प्राइस सेट करा गया है वो है 1200 रुपये, बट इसका जो लॉन्च प्राइस है या बोलूँ इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो रखा गया है 1000 रुपये। तो मैंने इसको 1000 रुपये में परचेज करा है, सो लेट्स सी ये 1000 रुपये के हिसाब से या इवन 1200 रुपये के हिसाब से इसकी वर्थ है या फिर नहीं, जानेंगे सब कुछ इसके बारे में। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी जो फैमिली है उसके अंदर शामिल हो सकते हो। सबसे पहले अपन बॉक्स की तरफ नज़र डालें तो ये आपको टिपिकल मीवी स्टाइल में बॉक्स देखने को मिलता है। फ्रंट में इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है डुओबड्स F40, साइड में आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई दिखती है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया। पीछे की तरफ कुछ की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, इसके अलावा कुछ और दे नहीं रखा यहाँ पर, तो इसको रखते हैं साइड में। देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मिलते हैं कुछ कागजात, तो इसमें आपको यूज़र मैनुअल, थैंक यू कार्ड और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ये आती है डेटा केबल जिससे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हो और इंटरेस्टिंगली ये टाइप सी की डेटा केबल है। और इसके अलावा ये आता है अपना मेन आइटम। नाउ लेट्स लुक एट द मेन आइटम दैट इज दीज TWS ईयरफोन्स एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो लुक्स हैं वो सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और प्रीमियम लगते हैं देखने में। जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, सीरियसली इसके डिज़ाइन से आई एम इम्प्रेस्ड एंड यू नो ऑलरेडी कि इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत एयरपॉड से जो इंस्पायर्ड है। और अगर आप इसके केस की तरफ देखो तो ये भी एक कॉम्पैक्ट सा केस है एंड डिसेंट डिज़ाइन के साथ, और इसको आप आराम से अपनी जीन्स की पॉकेट या इवन जो मिनी पॉकेट है उसके अंदर डाल के भी घूम सकते हो। इन ईयरफोन्स में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट मुझे ये वाला जो कलर था ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा, बिकॉज यार ब्लैक एंड वाइट तो मैं ऑलरेडी यूज़ करता रहता हूँ, तो ये जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगा। ये इस टाइम अवेलेबल है या फिर नहीं वो एक बार आप चेक कर लेना, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो नाउ अपन बात करते हैं इसकी फिटिंग एंड कम्फर्ट की। तो यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आज तक जितने भी ईयरफोन्स लेता हूँ ना तो उसमें मैं हमेशा जो सिलिकॉन वाले ईयर टिप्स वाले ईयरफोन्स होते हैं वो प्रेफर करता हूँ, बट टू माई सरप्राइज इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसमें भी कोई भी आपको कान में पेन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सो इनको आप जिम और रनिंग वगैरह के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अपन सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बाकी फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सो गाइज इसमें फिट है 13 mm के ड्राइवर्स और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको मैं सुबह से सुनता आ रहा हूँ, आपको भी एक छोटा सा नमूना सुना देता हूँ विद सम पंजाबी तड़का, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। सच बताऊं तो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगी। देखो आई एम नॉट अ हैवी बेस लवर, तो मतलब बेबी को ज़्यादा हैवी बेस पसंद नहीं है, बट स्टिल इसमें आपको मोर देन एवरेज बेस देखने को मिल जाता है, तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, मतलब यही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है।
तो इसलिए अगर आप हैवी बेस लवर हो तो आप दूसरे ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बट भाई मैं बताऊं तो मुझे मेरे हिसाब से ये इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको ट्रेबल्स वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प सुनाई देते हैं और इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से देखोगे तो काफ़ी बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है। अच्छा दोस्तों, इसको यूज़ करते हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए हैं, तो अगर आपको चाहिए कि इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये जो अभी मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ये सिर्फ कुछ ही घंटों के एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा चलो, साउंड क्वालिटी के बारे में तो बात हो गई, अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी। Mevi Duo Buds F40 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसकी वजह से जो म्यूज़िक वगैरह में साउंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत लैग वगैरह आता है ना बाकी ईयरफोन्स में, तो इसमें वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन ईयरफोन्स में आपको लो लेटेंसी वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, सो अगर आप डिसेंट गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है तो उसके लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक और चीज़, Mevi क्लेम की इसमें आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, सो स्प्लैश वगैरह थोड़ा बहुत पसीना वगैरह या फिर मैं बोलूँ बारिश वगैरह तो इसको वो ये झेल लेगा। तो इसको मैंने टेस्ट भी करा था, थोड़ा बहुत पानी वगैरह डाल के देख रहा था, उसके बाद भी ये परफेक्टली काम करता है। तो 1000 रुपये की रेंज में आपको IPX4 की रेटिंग देखने को मिलती है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। Mevi Duo Buds F40 में आपको टच सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा। सिंगल टच करने पे प्ले पॉज, डबल टैप करने पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग, ये तो नॉर्मली हर ईयरफोन्स में, हर TWS ईयरफोन्स में आपको देखने को मिलते हैं। बट सबसे बढ़िया चीज़, इसमें आप अपनी वॉल्यूम, मतलब अपनी नहीं, अपने जो सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो उनकी वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो फीचर है ये आपको 2-3 हज़ार वाले जो TWS ईयरफोन्स होते हैं उसमें भी किसी में देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइक क्वालिटी। तो इसमें आपको 2 माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते नॉइज कैंसिलिंग के चलते इसमें जो कॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। चलो इसका भी आपको एक छोटा सा नमूना सुनाई देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ भाई, मैंने ना वो ईयरफोन मंगाए थे Mevi Duo Buds F40, तो उसको कनेक्ट कर रखा है मैंने, तो मेरे को बताओ कॉल क्वालिटी कैसी है, आपको आवाज कैसी आ रही है मेरी? मेरे को आवाज सही आ रही है। प्लस मैंने यहाँ पर पंखा भी चला रखा है, AC वगैरह भी चल रहा है, तो उसकी आवाज वगैरह आ रही है? कोई खास नहीं, हल्की सी बस बीच बीच में कभी कभार पंखे की आ जाती है, बाकी वैसे कोई खास नहीं है। तेरी आवाज मेरे को बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, तो कॉल क्वालिटी बढ़िया है ना? मतलब कॉल क्वालिटी बढ़िया है। Mevi ने Duo Buds F40 में एक और चीज काफी ज्यादा हाईलाइट करी है, इसकी जो बैटरी है, इसमें जो केस है उसके अंदर आपको 500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और ये जो ईयरफोन्स है इसके अंदर आपको 40 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सो कंपनी क्लेम्स की इसमें आपको टोटल 50 hours का एंड सिंगल चार्ज में 5-6 hours का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए आप कमेंट करते हो तो उसके अंदर इसका जो बैटरी है उसको भी पूरी अच्छी तरीके से टेस्ट करके उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। एंड इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि ये जो केस है इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मतलब Mevi क्लेम्स की ये आपको 60 मिनट में इसका जो केस है ये फुल चार्ज हो जाएगा। बट ध्यान रहे, इसका ज़्यादा फास्ट चार्जर आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, मैक्सिमम 10 या फिर 15 वाट का चार्जर आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो इसकी जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। दोस्तों कुछ इंडियन ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मेड इन इंडिया के चक्कर में जो क्वालिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, बट नॉट विद दिस वन। Mevi ने Duo Buds F40 में काफ़ी बढ़िया काम करा है। लास्ट मैंने F30 मंगवाया था, Duo Buds F30 मंगवाया था, उसका एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल बेकार रहा था, बिकॉज उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो बहुत बेकार थी। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें आपको साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सो अगर इंडियन ब्रांड्स कुछ अच्छा काम करें तो भाई सपोर्ट करना तो बनता है। बट मैं Mevi को एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो आफ्टर सेल सर्विस है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज जो इंडियन कंपनीज है वो उसी में मार खा जाती है। तो उस चीज़ को आप सही रखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। एंड Mevi Duo Buds F40 की 1000 रुपये के हिसाब से और 1200 रुपये के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी वर्थ है और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको परचेज़ कर सकते हो। बट मैं आपको सिर्फ 2 सजेशन दूँगा, अगर आप एक हैवी गेमर हो तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और अगर आप वो क्या बोलते हैं याद ही नहीं आ रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, अगर आपको हैवी बेस पसंद है तो भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको दूसरे ऑप्शंस अच्छे खासे मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट Mevi Duo Buds F40। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है उसके अंदर जरूर शामिल हो जाना। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोडक्ट्स एफर्टलेसली।